80 और 90 के दशक के पुराने दौर में जमकर अपना कमाल दिखाने वाली कई खूबसूरत अभिनेत्रियों ने अपनी लाजवाब एक्टिंग से दर्शकों को यूं अट्रैक्ट किया था कि आज भी लोग उनके नाम की माला जप रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप 90s की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप कभी इनकी रियल लाइफ बहुओं से मिले हैं जो बहुत अच्छी हैं और अपनी माँ समान सास से बहुत प्यार भी करती हैं? अगर नहीं मिले तो चलिए आज हम आपको टॉप 5 पुरानी अभिनेत्रियों की खूबसूरत बहुओं से रूबरू कराएंगे, तो फिर आइए मिलते हैं उनसे। नंबर 1, फरहीन। जान तेरे नाम और सैनिक फिल्म से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली एक्ट्रेस फरहीन के वैसे तो दो बेटे मानवंश और राहिल प्रभाकर हैं, लेकिन ना इनके बेटों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना इनकी बहुओं के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। नंबर 2, रति अग्निहोत्री। बॉलीवुड में कई सुपर डुपर हिट मूवीज देकर लाखों लोगों की चहेती एक्ट्रेस बनी रति अग्निहोत्री के लाडले बेटे तनुज विरवानी यूं तो अभी कुमारे हैं, लेकिन इन दिनों वो टीवी के सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को डेट कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक ये जेनिफर से शादी कर उसे अपने घर की बहू बनाने वाले हैं, जो अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की होने वाली बहू हैं। नंबर 3, अमृता सिंह। बेताब, मर्द और आईना जैसी फिल्मों से फेमस हुई एक्ट्रेस अमृता सिंह के इकलौते बेटे इब्राहिम अली खान के प्यार के चर्चे इन दिनों टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की खूबसूरत बेटी पलक तिवारी के साथ हो रहे हैं और खबरों के मुताबिक जल्दी दोनों शादी भी करने वाले हैं। खैर, अभी शादी हुई भी नहीं है कि अमृता सिंह ने पलक तिवारी को अपनी बहू भी मान लिया है। नंबर 4, जया बच्चन। पुराने दौर की असली रानी कही जाने वाली एक्ट्रेस जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को कौन नहीं जानता, जो इनकी लाडली और इकलौती बहू है। इसीलिए जया बच्चन उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं, तभी तो ऐश्वर्या राय इतने अच्छे घर की बहू होने पर गर्व महसूस करती हैं, क्योंकि इन्हें सभी बहुत लाड प्यार से रख रहे हैं। नंबर 5, नीलम कोठारी। वैसे तो बॉलीवुड फेम एक्ट्रेस नीलम कोठारी का अपना कोई बेटा नहीं है, लेकिन एक टाइम पहले ही अभिनेता गोविंदा को डेट कर चुकी हैं और अब गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा का रिश्ता एक्ट्रेस काजोल की खूबसूरत बेटी न्यासा देवगन से तय होने वाला है, जिसके चलते न्यासा देवगन गोविंदा के साथ साथ नीलम कोठारी की भी होने वाली बहू मानी जा रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन अभिनेत्रियों की प्यारी प्यारी बहुएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।